टॉपिक चैनल से। दोस्तों, श्रीलंका में जो फसाद है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किसी ना किसी वजह से जो है वो सुर्खियों में बना हुआ रहता है कि एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे आने के बाद जो है श्रीलंका में वापस तनाव का माहौल हो गया और जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके ऊपर उनकी दुकानें तोड़ी गई और उनकी मस्जिदों को, तीन मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया और वहां पर जो है ज्यादा मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये फसाद का एक सोचने जैसी बात है। हालांकि वहां की सरकार ने वहां पे कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू लगाने के बाद कुछ माहौल कुछ देर तक ठंडा था, उसके बाद जब वापस जो है चर्च चालू किया गया, चर्च को खोला गया, तो फिर जो है एक जो ईसाई समुदाय के लोग थे जैसे ही, तो वापस वो तनाव बढ़ गया, वापस वो चीज़ मतलब फसाद चालू हो गया। तो इस तरीके से लेके श्रीलंका के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम लोगों से अपील है, जितने भी मुल्क हैं, कि ऐसी जगहों पे, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो कोई भी देश हो, अगर ऐसी देश पे अगर ये जातिवादी या कोई अगर ऐसा इस तरीके से फसाद होता है, ये पूरी दुनिया को नुकसान पहुँचाने जैसा होता है और ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हर मुल्क मिलके इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि किसी को काट देना, किसी को मार देना, किसी को दुकान जला देना, किसी के धर्म की चीज़ को नुकसान पहुंचा देना, ये कहीं की इंसानियत नहीं है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।